गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 20 वीडियो में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बचे हुए ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, 15 से देखिए। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ साइन थीटा बराबर में लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। चलिए, ऐसे तो ये हम लोग एक्सरसाइज में बना चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखो। अच्छा, कॉस के पावर 4 थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूँ। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, तो इसका वैल्यू 1 ही ना होगा, यानी यहाँ से बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी हम लोग एक्सरसाइज में इस टाइप का बना चुके हैं। यहाँ देखिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर में एम। तो हमें क्या करना होगा? तो दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के। हम लोग ऐसा प्रूफ कर चुके हैं, लंबा बनेगा यार, मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ और एक्सरसाइज में आपको बताया हूँ इस तरह का। दोनों को वर्ग करके सिर्फ हमें जोड़ लेना है, डी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना एक्सरसाइज में, 8.4 में। यदि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे और दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो यहाँ से ये आपका बी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखो। एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का दिया है, जेड का दिया है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलिए, एक्स का वैल्यू देखो, यहाँ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये दिया है, तो मैं रख देता हूँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और बटा में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस में साइन स्क्वायर फाइव, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जेड बट्टा सी ना, जेड बट्टा सी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर बट्टा में सी स्क्वायर, डी नंबर हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू तो रूट 3, कॉट 30 का वैल्यू तो यहाँ भी रूट 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का रहा है कि सेक 0, तो सेक 0 का 1 होता है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 होगा? तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, टेन 30 का हो जाएगा। साइन 60 का मान किसके बराबर होगा इसमें से? तो कॉस 30 के बराबर होगा, तो किसका भी √3/2, इसका भी √3/2। 3 थीटा बराबर में 90, तो थीटा बराबर यहाँ से 30 निकल जाएगा, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर। कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का 1/√2, साइन 18 बट्टा में कॉस 72, तो एक दूसरे को पूरा, एक को बदलोगे, इसको बदलोगे तो कॉस 72 हो जाएगा, कॉस 72 बट्टा में कॉस 72, 1 आ जाएगा। चलिए, इसका आंसर 1 आ जाएगा, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, तो √3 टेन में कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कॉस 60 प्लस 1 कॉस 60 माइनस 1, अच्छा इसका वैल्यू बताना, तो कॉस 60 का होता है 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 माइनस 1, ऊपर एलसीएम लेते हैं 2 1 प्लस 2, नीचे एलसीएम लेते हैं 2 1 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर 3/-1 यानी कि माइनस का 3, आपका बी नंबर। इसका पूछ रहा था, एक दूसरे के ये पूरक है ना, इसको बदल दोगे तो 2 कॉस 52 हो जाएगा और नीचे भी आपका कॉस 52 है, कट जाएगा, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। इसका पूछ रहे थे, भाग में जाओगे तो कॉस थीटा बराबर √3/2, तो थीटा में कॉस में √3/2 कितना का होता है? 30 डिग्री का ना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 31 कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना जी, √1-3/5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा √1-9/25। अंदर एलसीएम लेते हैं 25 में से 9 घटेगा, √16/25 यानी कि आ जाएगा 4/5। यहाँ देखो ये भाग में जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 60 डिग्री का वैल्यू होता है कॉसेक में,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो होगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा में है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो ऊपर हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर ए और नीचे वन बाई साइन स्क्वायर ए, पलट जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए यानी कि टेन स्क्वायर ए का। चलिए इसमें पूछ रहे थे ये जाएगा भाग में, तो थीटा बराबर 30 आ जाएगा, थीटा बराबर 45 आएगा, सॉरी थीटा बराबर यहाँ से 45 आएगा, तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान निकाला है ना जी, तो थीटा का 45 रख देंगे, 1/√2 आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, देखो ए प्लस बी बराबर 90, तो कॉस ए का वैल्यू देखो, कॉस ए के जगह पे यहाँ पे ए का वैल्यू रखोगे 90 माइनस बी, तो कॉस 90 माइनस बी हो जाएगा साइन बी, साइन बी के बराबर, 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूँ और इसको 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर, साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, हर एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत बच्चे पहले कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा था, तो मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया, चाहे वो इजी है या हार्ड है, हर एक क्वेश्चन को आपको करा दिया, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूं कि आज इतना ही रहने देता हूं इसी खुशी में, और ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अब आगे दूसरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी वीडियो देखना होगा, सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको पूरे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, पूरे बुक का ही लिंक मिल जाएगा, एनसीईआरटी भारती भवन केसीसी ना सबका लिंक मिलेगा आपको। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं, कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो वीडियो को, इतना तो आप लोग कर सकते हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, ऐसे जैसे भी हो अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, और कमेंट जरूर किया करो कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।